ये हिंदुस्तानी हिंदू की औकात थी कि उसने खड़े सिक्के बिछा के उस मथुरा के मंदिर को बचाया था उस टाइम पे। कौन से औरंगजेब की बात करते हो? कुर्सी के लिए अपने बाप को नहीं छोड़ा, अपने भाइयों को नहीं छोड़ा। अगर आपको भी देखा जाए तो तीसरी पीढ़ी आपकी हिंदू निकलेगी। मैं जहां उसको औरंगजेब को फकीर नहीं मानता हूं, उसने अपने बाप को कैद किया, उसने अपने भाई का कत्ल किया। महाराणा प्रताप, औरंगजेब जैसे लोग महान थे तो डकैत महान थे, तो महाराणा प्रताप जैसे लोग कौन थे? मेरे इस बयान को नोट कर लीजिए, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। हमारी पीढ़ियाँ हिंदू ही थी, हम कन्वर्टेड मुसलमान हैं। नरसिम्हा राव सरकार में एक कानून बना था कि अब जो 1947 के बाद में जो स्वरूप है इबादत गाहों का वही रहेगा। ये मस्जिद इन्होंने कहाँ गए? इन्होंने औरंगजेब की बात की, इन्होंने औरंगजेब के बारे में, मैं आपको 17 ऐसे मंदिरों के कागजात दिखा सकता हूँ अपने मोबाइल से जो उन्होंने मंदिरों को ज़मीनें दान दी। आपने कहा मुसलमानों ने मंदिर तोड़े, जब 45,000 मंदिर तोड़े, एक दो मंदिर नहीं तोड़े, 45,000 मंदिर तोड़े हैं। जवाब देता हूँ सर, बोले जमीन दी, जमीन किसकी? भारत की। दी किसको? भारतीयों को। एहसान किया हम पे? अरे वो बादशाह थे यार, वो उसका कोई नहीं था। नहीं, लुटेरा था, कब्जा करके बैठा था। बादशाह मत बोलो, बादशाह आपके लिए होगा, भारत के लिए नहीं हो सकता। लुटेरा था, ठीक है, वो औरंगजेब की बात कर रहे हैं जो अपने वहाँ पे कभी जो अपने बाप को मार के आगे बढ़ा। कौन से औरंगजेब की बात करते हो? कुर्सी के लिए अपने बाप को नहीं छोड़ा, अपने भाइयों को नहीं छोड़ा। किस औरंगजेब की बात करते हो? उस औरंगजेब की बात करते हो जिसने शिवाजी को धोखा दिया। किसको धोखा दे दिया? आप क्या करना चाहते हो भाई साहब? भाई मानना नहीं आपका काम है। अगर आपको भी देखा जाए तो तीसरी पीढ़ी आपकी हिंदू निकलेगी। आप जो है मुसलमान नहीं है। यहाँ पे 100 घुड़सवारों को लेके बाबर आया था, तो इतने ज्यादा मुसलमान कहाँ से आ गए? आइए एक सेकंड, अब आप मेरी सुन लेना। ऐसा है, शराब बंद करो। ऐसा है, बाबर जब यहाँ आया, बाबर आया तो राणा सांगा के बुलाने पे आया। अरे यार सुन लो, अब रुक जाओ यार, अपनी बोलना तो मैं जा रहा हूँ। मुझे एक सेकंड, दो मिनट का जवाब ले लेता हूँ, फिर आपके आप विरोध सुन ही नहीं पाते, समझे? नहीं, आप गलत कह रहे हैं। तो मोदी से कहूँ ना मैं, क्या कहूँ? बाबर आया था, बाबर के बाद यहाँ जितने भी बादशाह हुए वो सब देशी थे या विदेशी थे? उनकी माएँ कौन थी? जिस औरंगजेब की बात कर रहे हैं आप, उसके जो 5 पीढ़ियाँ ये भारतीय थीं, आप उसे कैसे कह रहे हैं? बाबर को तो आप एक बार कह सकते हैं। दूसरी बात, जब मुगल यहाँ आए, लुटेरे ऐसा वैसा, मुझे कोई हमदर्दी नहीं है जो औरंगजेब के लिए इन्होंने बात कही। मैं 100% सहमत हूँ। मैं जहाँ उसको औरंगजेब को फकीर नहीं मानता हूँ, उसने अपने बाप को कैद किया, उसने अपने भाई का कत्ल किया, वो एक आम राजा था। लेकिन सवाल यह है कि वो, आप उसको ये क्यों नहीं मानते कि वो यहाँ की रानी से पैदा था, यहीं का था? जब वो मरा, जितने मुगल मरे वो कितनी दौलत रहेगा हिंदुस्तान की? जो ज़मीन आप कह रहे हो हमारी थी, आप ही को तो दे गए, वो क्या लेके गए यहाँ? तो मैं बताऊँ तो हमें दे गए, तो आप ये मत गिनाओ कि 7 मंदिरों के लिए उसने जमीन दे के एहसान किया, 17 के लिए सुनो दी तो हमारी जमीन थी, हमसे छीनी, हमने ले ली। और दूसरी बात, आप उन्हीं औरंगजेब की बात कर रहे हो ना, जब वो एक मंदिर को तोड़ने जा रहा था तो जो जैन सेठ था उसको क्या बोलता है आप लोगों के मुगल, कि इस जमीन के ऊपर पूरा सोना बिछ जाए, इतना पैसा देना पड़ेगा। उसने सिक्के बिछा दिए तो क्या बोलता है? खड़े सिक्के बिछाओ। ये हिंदुस्तानी हिंदू की औकात थी कि उसने खड़े सिक्के बिछा के उस मथुरा के मंदिर को बचाया था उस टाइम पे। आप कौन से मुगलों की बात करते हो यार? और दूसरी बात, ये हकीकत है ना कि हजारों मंदिर तोड़े गए, तो क्या है ना उस आदमी को जो मंदिर इतने तोड़ता है, कोई भी धर्म हो, क्या वो धर्म उसका साथ देता है? उसको बादशाह बोलने का अधिकार भी है? नहीं है अधिकार। अगर आप जब गंगा जमुना तहजीब की बात कर रहे हो तो उस जगह आपको बोलना पड़ेगा औरंगजेब कोई बादशाह नहीं था, औरंगजेब लुटेरा था। अगर और दूसरी बात, गंगा जमुना की तहजीब की ये लोग बात करते हैं, भाई साहब कौन इनकी कुरान में कहाँ गंगा है, कमना कहाँ जमुना है, कहाँ भारत है? गंगा हमारी, जमुना हमारी, तहजीब हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हमारी संस्कृत और हिंदी में तहजीब का कोई शब्द नहीं है, तहजीब इनकी उर्दू का शब्द है, अपने पास रखें। गंगा हमारी है, जमुना हमारी, सरस्वती हमारी है, भारत हमारा है। वही बात है, अगर आप थोड़ा पढ़ लेते, तहजीब संस्कृति को कहते हैं। हाँ, तो संस्कृति हमारा शब्द है। आप गंगा जमुना संस्कृति बोलो जो हिंदू अच्छे से जानते हैं। जो उर्दू बनी है वो भी संस्कृत से बनी है। नवाज का वर्ड है ना, नवाज भी संस्कृत का वर्ड है। नवाज जो पढ़ते हैं हिंदू लोग जो है वो हिंदी का नहीं है। हाँ देखो, यहाँ उर्दू फारसी की लड़ाई नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि जितने लोग अपने को मुसलमान कहते हैं वास्तव में सब हिंदू थे। इन लोगों को जबरन जो है मुसलमान बनाया गया। जो यहाँ से प्रॉपर मुस्लिम सऊदी अरबिया है, एक तुर्की है, वो मुस्लिम है, वह अरबी बोली जाती है। यहाँ जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो बोली जाती है। मैं तुम्हें जवाब दे देता हूँ, जवाब ले लेते प्लीज़, माफ़ कर देना।
ऐसा है कि इस बात पे बड़ा झगड़ा होता है, सियासी पार्टियाँ करती हैं कि मुसलमानों की पीढ़ियाँ यहाँ पर कौन थी, हम हिंदू थे मुसलमान थे। नहीं बोलो मत, बोलो मत, मेरे इस बयान को नोट कर लीजिए, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, हमारी पीढ़ियाँ हिंदू ही थी, हम कन्वर्टेड मुसलमान हैं। इसमें हमने जो कही हो गई ना, बात सही हुई ना। तो मैं आप मुझसे क्या कहलवाना चाह रहा है, मैं तो मैं इतनी देर में औरंगजेब को बादशाह बनाते हैं भारत का, तो भाई साहब क्या वो बादशाह था या लुटेरा था? उसने सिर्फ मंदिर नहीं तोड़े, उसे 45,000 का 1,000 कुछ, लेकिन 3,000 मजार भी तोड़े थे। बात बताता हूँ मैं, बोल रहे चलो कुतुब मीनार दिखाता हूँ, वहाँ पे जो बना हुआ स्ट्रक्चर, उसमें जो पत्थर लगे हुए, उसमें सारी नकाशी हिंदू मंदिरों की है, उठा उठा के वहाँ पे लगा रखे है तुमने टुकड़े। उसके बाद बोलते हो हमने ये दिया, कुतुब मीनार दिया, तो भाई वहाँ जाके लो स्तंभ देख लो। कुतुब मीनार बनाने की गुंजाइश होती हुई मुगलों की, तो वो सऊदी अरब में नहीं बना लेते, यहाँ कर रहे हैं जाके वहाँ बनाते। क्या यहाँ कैसे बाग बाग वहाँ बनाते? वहाँ का पैदाइश है, वहाँ नहीं कर पाए। अरे जहाँ का डीएनए है, जहाँ का बीज है, वहाँ नहीं कर पाए, हिंदुस्तान में आगे बना जाएंगे। यही तो कह रहा हूँ, कहाँ का बीज था राणा सांगा ने बुलाया था उसे बाबर को। औरंगजेब महान था तो महाराणा प्रताप कौन थे? महाराणा प्रताप, औरंगजेब जैसे लोग महान थे तो डकैत महान थे, तो महाराणा प्रताप जैसे लोग कौन थे? औरंगजेब को महान कह ही नहीं रहे हो तुम, चीज क्यों लाए हो इतना? अरे कह तो चचा आप ही रहे हो, मुगलों की देन है जो है। बताया मैंने लाल किले का नाम लिया, ये कह रहे कि मुगलों ने दिया। नहीं मैं पॉइंट बताता हूँ, इनका पॉइंट पहले क्या था, हिंदू राष्ट्र पे, हिंदू राष्ट्र पे इनका, हाँ उन्होंने आगा, उन्होंने आगा हिंदू राष्ट्र, इससे हम भी एग्री नहीं है। क्यों कोई भी तुम लगा लो, सुनो सुनो सुन लेते हैं, वो पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना हुआ है, ठीक है, बोलते हैं पाक इस्लाम, उसकी स्थिति क्या है, ठीक है, जो मुस्लिम कंट्री हैं, जो प्रॉपर मुस्लिम कंट्री हैं, उनकी हालत क्या है, केवल तेल पर चल रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं है उनके पास, ना टेक्नोलॉजी है, जो भी गई है बाहर से गई है, जो जहाँ जहाँ है कुछ भी नहीं है, ठीक है। हिंदू राष्ट्र होता है उसमें क्या हो जाएगा बताइए, क्या क्या कर सकता हूँ, इस्लामिक देश हो सकते तो क्या हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? वो क्या जाएगा उससे बता दीजिए, उससे बेनिफिट नुकसान क्या है वो बता दो ना, क्या बेनिफिट क्या है? सर्कुलर कंट्री है भैया, सेकुलर कंट्री है। सेकुलर कब बना था, आया था संविधान, जब बाबा साहब ने संविधान लिखा तब सेकुलर जोड़ा था, या बाद में संशोधन करके सेकुलर जोड़ा गया था? अरे संशोधन करके सेकुलर जोड़ा गया था, संविधान में कभी भी सेकुलर नहीं था, इंदिरा गांधी ने संशोधन किया था, गया था सेकुलर कभी भी नहीं था, हिंदू राष्ट्र ही था भारत। संशोधन सब खत्म कर दोगे जितने भी किए हैं क्या? अगर संशोधन संशोधन हो जाता तो दिक्कत, तो कलवाइए ना मोदी जी से, आप कलवाइए ना, राहुल गांधी की सरकार आई वही करते हैं, वो लोग थोड़ी ना ऐसा करते हैं। 1947-1949 हमारा हिंदुस्तान हो रहा है, वैसे वैसे हर काज बढ़िया से हो जाएगा, इसमें अगर कोई बोलता है तो इसमें उसको कुछ पूछने वाला नहीं है, सरकार जो करना है वो हो ही जाएगा।